क्या एक साथ इतनी लाशें गायब? जी साहब, और वो सब है ना, कल रात को ही कब्रिस्तान में दफन हुआ था। साहब मेरे को तो लगता है अपना शहर के ऊपर है ना भूत का आतंक फैलने वाला है। पता नहीं ये कैसा आतंक है। हेलो, यस सर। ये कैसा आतंक फैला है तुम्हारे इलाके में? सर वो कई दिनों से लाई जा रही है, कल तो पूरे शहर की लाइट गुल हो गई थी। पता करो कि ये सब क्यों हो रहा है। ठीक है सर, पर मैंने सुना है कि कोई ऐसा आदमी है जिसे प्रेस वाले शक्तिमान कहते हैं, कल रात भर वो संकट में फंसे लोगों की मदद करता रहा। ये ठीक है कि वो लोगों की भलाई करता रहा है, लेकिन हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि वो कौन है और कहां से आया है। यस सर, मुझे जल्दी रिपोर्ट करो। ओके सर। भिंडे भिंडे ये क्या हो रहा है? कौन है ये शक्तिमान? कहीं वही तो लाइट की चोरी नहीं कर रहा है? हाँ साहब, अपने तो अपनी आंखों से देखे लाए। साहब अब उनको लगता है अपने शहर के ऊपर है ना कोई बुरी चुड़ैल का साया पड़े लाए। साहब मैं तो बोलता है तुम भी है ना गंडे बाबा का ताबीज पहन लो। ये देखो अपने तो पहन लिया। शाह भिंडे भिंडे, हमें पता लगाना है कि कैसा चमत्कार है, इस चमत्कार का मकसद क्या है। देख के चलो ना। कुछ दिखाई नहीं दे रहा देवी। आंखें बंद है, फिर भी नहीं दिखाई दे रहा देवी। चश्मा नहीं पहना है। हाँ देवी जी, अब दिखाई दे रहा है। मेरा लेंस को कब दे रहा है। चल बस एक बात बता दीजिए देवी जी। शश्श, बस एक बात बता दीजिए देवी जी, क्या आप भूत प्रेतों के प्रजाति से संबंध रखती हैं? मतलब ये कि हमेशा आपका पाला भूत प्रेतों से क्यों पड़ा रहता है? नहीं, कभी कभी मेरा पाला उल्लुओं से भी पड़ जाता है। उल्लू? कौन उल्लू? कहाँ? हम देखे देवी जी, हम उल्लू नहीं है। अब हमें क्या? गंगाधर तुम कहाँ हो? हम यहाँ हैं देवी जी। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो जल्दी से निकलो। देवी जी हमारी सहायता तो कीजिए। अरे इसमें तो कॉफिन है। यानी कि हम कफन पे खड़े हुए थे। लगता है कोई आ रहा है। चलो चलो छिप जाओ। खुली कफन, फ्रेश कफन। ये लोग जरूर लाश चुराने वाले होंगे। हमें सावधान रहना होगा। सावधान तो हम हैं देवी जी, परंतु हमारे समझ में ये नहीं आता कि ये लोग मृतदेह क्यों चुराते हैं। जरूर भूत पिशाच के रिश्तेदार होंगे। पिशाच के रिश्तेदार होंगे ये? देखो जब तक मैं न कहूं तुम एक लफ्ज मत बोलना। हमारी बोलती तो वैसे ही पहले से बंद। चुराने की जरूरत क्या? मैं वहां जा रही हूं, तुम यहीं रहना और मुंह बंद। कम ऑन हरिया। टोनी भाई, ये छोकरी छुप के हमारी जासूसी कर रही थी। अरे ये तो वही लड़की है जो उस दिन अस्पताल से भागी थी। इसका मतलब ये है ये अकेली नहीं होगी, इसका बॉस भी इसके साथ होगा।
जाओ ढूंढो उसे। सोनी भाई, इसके पास से ये प्रेस कार्ड मिला है। अच्छा तो रिपोर्टर है। टोनी भाई, वहां तो कोई नहीं है, अब इसका क्या करें? कोई बात नहीं, इसे भी हम अपने साथ ले चलेंगे। डॉक्टर देखेगा तो जरूर खुश होगा, वो इसका इलेक्ट्रिक वुमन बना देगा। टोनी भाई, वुमन्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रिक। तुम लोग जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। भागते भूत की लंगोटी सही। अंदर तो चलो डार्लिंग, सब पता चल जाएगा। फिलहाल तो हम जमीन में 200 फीट नीचे जा रहे हैं। मुझे हाथ मत लगाना। ओहो बेटा, लड़की जितनी शानदार है उतनी जानदार भी है। मैंने कहा ना अपने गंदे हाथ दूर रखो, दोबारा मुझे हाथ लगाया तो क्या कर लेगी? चीखेगी, चिल्लाएगी। चीखो, चिल्लाओ, यहाँ तुम्हारी चीखें सुनने के लिए कोई नहीं आने वाला। मैं सब सुन रहा हूँ। वो क्या है, देवी जी ने मुझे चुप रहने को कहा था, इसीलिए मैं चुप था। इन यमदूतों से बचने के लिए छिपे थे। लेकिन इस कॉफिन में तो लाश थी। यमदूत भाई, आप कदाचित गलत समझ रहे हैं। वो मृत देह जो आप ला रहे थे वो तो वहीं रह गई। शट अप, वो नहीं तो हम तुम्हारी बॉडी से काम चला लेंगे। चलो चलो चलो, चलो। टोनी, लाशें लाए। ये दोनों कौन है? ये प्रेस रिपोर्टर है सर, और ये है इसका साथी। ये दोनों छिपकर हमारी जासूसी कर रहे थे। टोनी, लाश कहाँ है? सर, हमारी चुराई हुई लाश को इसने गायब कर दिया और खुद ताबूत में छुपकर यहाँ आ गया सर। कोई बात, इन दोनों को गैस चैम्बर में डाल दो, लाश बना दो। हट्टे कट्टे हैं, 2 घंटे में इन दोनों की लाश हमारे हाथ में आ जाएगी। अरे ये लाश चोर नहीं है। तुम लाश चुरा कर क्या करना चाहते हो? आखिर आ गई ना अपनी औकात पर। पत्रकार जो हो, मरते दम तक सवाल करना नहीं छोड़ोगी, लेकिन तुम्हारी इस जिंदगी के आखिरी सवाल का जवाब मैं जरूर दूंगा। आओ, आओ मेरे साथ, आओ। कम 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 आइए आइए, कम कम आइए। ये देखो, ये है मेरा इलेक्ट्रिक बैंड। इलेक्ट्रिक बैंड? अरे ये तो दैत्य दानों के कोई अवतार लगते हैं। ये है मेरा बेटा, इसे मैंने अपने हाथों से मार डाला। अब इसमें मैं बिजली भर रहा हूं और इस बिजली के जरिए मैं इसको जिंदा करूंगा। अर्थात आप स्वयं को ईश्वर समझते हैं? सावधान महाशय, जीवन और मृत्यु ईश्वर के हाथ की वस्तु है, उसमें विघ्न डालने वाले को ईश्वर कभी माफ नहीं करते। मरने के बाद कह देना आपने ईश्वर से कि उसके बनाए हुए लोगों की अब इस दुनिया में कोई जगह नहीं, अब इस दुनिया में रहेंगे
चंडोला के बनाए हुए इलेक्ट्रिक मैन टोनी, ले जाओ ने डाल दो गैस चैम्बर में। What? नहीं, गैस चैम्बर? नहीं चले, नहीं को। बजुका, मेरा बेटा। तो ये है दम घोटू ग्रह। अच्छा। क्या? दम घोटू ग्रह, अर्थात गैस चैम्बर, गैस चैम्बर जो चारों तरफ से बंद होता है, जहां धीरे धीरे जहरीली गैस छोड़ी जाती है और दम घुट जाता है धीरे धीरे। तुम जब भी मिले हो हमेशा डर की बात करते हो और साथ साथ मुझे भी डराने की कोशिश करते हो। अगर इतना ही डरते हो तो कब्रिस्तान से भाग क्यों नहीं गए, मेरे पीछे क्यों आ गए? वो क्या है कि हम देखना चाहते थे कि आप डर से क्यों नहीं डर रही। अब देखिए ना, मृत्यु आपके सामने साक्षात खड़ी हुई है फिर भी आप नहीं डर रही। क्या आपको मृत्यु से भय नहीं लगता देवी? मौत जिंदगी की एक सच्चाई है। अगर हम कदम कदम पर मौत से डरने लगे तो सेवा तो यह कि मैं भी मौत से बहुत डरती हूँ, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि अगर हमारी मौत सच्चाई का साथ देते हुए हो रही है तो अच्छी बात है। और कल एक ऐसा ही इत्तेफाक हुआ कि सच्चाई में मेरा विश्वास और भी मजबूत हो गया। आप बताएंगी कि वो संयोग क्या था देवी? मैंने एक ऐसे आदमी को देखा जो मौत से लड़ रहा था, उसने मुझे बचाया, कई लोगों को बचाया, कोई गजब की शक्ति थी उसमें। आप कदाचित शक्तिमान की बात तो नहीं कर रही देवी? हाँ, ये नाम तो मैंने ही दिया है, लेकिन वो कौन है, कहां से आया, मुझे कुछ मालूम नहीं। काश मैं उसे दोबारा मिल पाती, मैं उससे सारी बातें पूछ लेती उसके बारे में, लेकिन अब क्या फायदा, अब तो मैं उसे दोबारा कभी नहीं मिल पाऊंगी। हमें लगता है देवी जी, शक्तिमान भैया भी आपसे तनिक प्रभावित हुए होंगे। ये तुम कैसे कह सकते हो? यदि वो सत्य के योद्धा हैं, तो आप भी तो विपत्तियों की देवी हैं देवी जी। क्या मतलब? मतलब ये कि सच्चाई के युद्ध में आप कोई भी विपत्ति का सामना कर लेती हैं।